हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो पीजी सेल की तरफ से। पीजी सेल में डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लीकेशन फीस क्या होने वाली। तो देखिए, हमें पावर ग्रिड की साउदर्न रीजन फर्स्ट हैदराबाद की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट ऑफिसर पर आ जाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है, एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए होगा 1 साल का फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर। इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। किस या आपका प्रोजेक्ट में काम क्या होगा? RTM एंड TBCB प्रोजेक्ट होगा। वर्क जो कि होगा SR1 स्टेट में। यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर, लॉग इन एंड अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर होने वाली है। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी हुई हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डेट 29 सितंबर 2023 की अपडेट है। इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखिए, TBCB का मतलब है टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बाइंडिंग एंड RTM का मतलब है रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म। ये सारे प्रोजेक्ट में आपके वर्क होंगे। इंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन टेम्प्रेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कि आपका 2 साल का होगा, यानी कि 24 मंथ का, या फिर टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक होगा। देख लेते हैं कितनी कितनी सीटें किस किस पोस्ट में रखी गई हैं। देखिए, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 20 सीटें रखी गई हैं, जिसमें 9 UR की, OBC की 5, SC की 3, ST की 1 और EWS की 2 होने वाली है। फील्ड इंजीनियर सिविल में 8 सीटें हैं, UR की 5, OBC की 2, SC की 1 हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 15 सीटें हैं, जिसमें UR की 7, OBC की 4, SC की 2, ST की 1, इस प्रकार दिया हुआ है, और EWS की 1 है। फील्ड सुपरवाइजर सिविल में 6 सीटें हैं, जिसमें UR की 3, OBC की 1, SC की 1 और EWS की 1 सीट होने वाली है। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। अपर एज लिमिट जो कि आपकी 10/10/2023 से काउंट की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 29, यानी कि 29 साल होने वाला। अगर आपने फुल टाइम का BE, BTEC या फिर BSc करके रखा है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से, 55% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं किस भी डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियर या फिर पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस क्या है कि शुड हैव वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग कमीशनिंग इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सारे चीज़ों में किसी एक चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। इसी प्रकार सिविल में है, मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स होने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम का आपने BE, BTEC, BSc करके रखा है सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन में सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, केवल और केवल सिविल इंजीनियर। फील्ड एक्सपीरियंस में भी इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब देख लेते हैं फील्ड सुपरवाइजर जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। डिप्लोमा वाले पोस्ट में BE, BTEC वाले अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उन्होंने डिप्लोमा करके रखा भी तब भी। देखिए, फुल टाइम का डिप्लोमा करके होना चाहिए रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, विद 55% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS वालों के लिए, और पासिंग मार्क होना चाहिए SC ST PW के लिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC, BE, MTEC, ME एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि BE, BTEC वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। डिसिप्लिन में वही डिसिप्लिन दिया हुआ है, एक्सपीरियंस इसमें भी 1 साल का आपको रिक्वायर्ड है। इसी प्रकार सिविल में अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। BE, BTEC वालों का जो बेसिक होने वाला 30,000 रुपये हो जाएगा, और जो डिप्लोमा वालों के लिए वो 23,000 रुपये बेसिक हो जाएगा। लगभग इनकी सैलरी 40,000 हो जाएगी और इनकी सैलरी लगभग 45,000 हो जाएगी। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। HR रूल्स और पावर ग्रिड पर्क्स 37%, जिसमें आपको देखिए लीव वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस लिए हुए हैं पावर ग्रिड में, जैसे कि कैंडिडेट्स हु हैव वर्क इन पावर ग्रिड एज फील्ड इंजीनियर AE, यानी कि फिक्स टर्म बेसिस पर, या फिर फील्ड सुपरवाइजर JE फिक्स टर्म बेसिस पर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कम से कम 1 साल का किया हो, एंड आर स्टिल वर्किंग या फिर हैव सेपरेटेड, कैन अप्लाई फ्रेश फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर या फील्ड सुपरवाइजर इन पावर ग्रिड। दे आर अलाउ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट्स टू द एक्सटेंड ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस। जितना भी आपने सर्विस किया है उसी हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलने वाला है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फील्ड इंजीनियर पोस्ट के लिए, जो कि BE, BTEC वालों के लिए। सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पर होगा। ऑफ द एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, हाउएवर द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एंड और टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इफ से रिक्वायर्ड। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इफ कंडक्टेड शैल बी फॉर इलिमिनेशन पर्पज ओनली एंड विल नॉट हैव एनी वेटेज इन फाइनल मेरिट, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, CVT होगा, वो कोई भी वेटेज नहीं रखेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। यदि आपका
सीबीटी होता है यानी कि स्क्रीन टेस्ट होता है, तो उसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 घंटे में होंगे यानी कि 60 मिनट में। पार्ट दो होंगे, पहले पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे डिसिप्लिन से और दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर वालों के लिए 40% रखा गया और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% रखा गया है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन दी एन परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन किया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपकी फाइनल मेरिट है विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका प्योरली इंटरव्यू बेस पर हो जाएगा। फील्ड सुपरवाइजर के लिए बात करते हैं तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और हाँ, बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि साउथ की अगर पोस्ट है तो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन फॉर अपेयरिंग द पर्सनल इंटरव्यू इन हिंदी या फिर इंग्लिश। यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। बात कर लें तो डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए तो यहाँ भी आपका टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 50 और एप्टीट्यूड के होंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 घंटे का होगा। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया यूआर वालों के लिए 40% और रिजर्व वालों के लिए 30%। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो फील्ड इंजीनियर जो कि बीबीटेक वालों के लिए 400 रुपये अप्लीकेशन फीस लगेगी और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फीस लगेगी। यहाँ पर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, जिसका ओपनिंग डेट 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2023 यानी कि 10 दिन के लिए फॉर्म ओपन था, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। आप इसको 17 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 10/10/2023 से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट। यानी कि अभी कोई भी डेट यहाँ पर नहीं आई हुई है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग। सो गाइज, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी देखने सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।